हिंदी साहित्य को पढ़ने वालों के लिए ये नाम बहुत खास है, मुंशी प्रेमचंद। जुलाई 1880 में वाराणसी में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें हम सब मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, जो अपने शुरुआती दिनों में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। एक ऐसे लेखक जिन्होंने अपने समय के समाज को साहित्य में उतार कर उसे इतिहास बना दिया। मुंशी प्रेमचंद जी की सादा सी कहानियाँ उस समय के समाज का सच हैं, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानियाँ विवादित भी रहीं। अपने पहले उपन्यास देवस्थान रहस्य में ही उन्होंने स्त्री के शोषण की गाथा लिखी, जो यकीनन समाज के रसूखदारों को पसंद नहीं आई। उसके बाद ब्रिटिश रूल में उनका लघु कथा संग्रह सोजे वतन बैन कर दिया गया, यहाँ तक कि उसकी सभी प्रतियाँ खत्म कर दी गईं। ये वही समय था जब मुंशी जी नवाब राय से मुंशी प्रेमचंद बन गए थे। 1921 में शिक्षक की सरकारी नौकरी छोड़कर मुंशी जी भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां और भरण पोषण के लिए उन्होंने वाराणसी में ही सरस्वती प्रेस के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, लेकिन वह भी उनकी आर्थिक समस्याओं से उन्हें निजात नहीं दिला पाई। तब मुंशी जी सपनों की नगरी मुंबई में बतौर स्क्रिप्ट राइटर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। हिंदी फिल्मों के तमाम चाहने वालों को शायद ही पता हो कि मुंशी जी ने न सिर्फ बतौर स्क्रिप्ट राइटर एक फिल्म लिखी थी, बल्कि उस फिल्म में एक कैमियो भी किया था। इस फिल्म का नाम था मिल मजदूर, जो अजंता प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई थी, लेकिन हम में से किसी ने वह फिल्म नहीं देखी। जानते हैं क्यों? कहते हैं इस फिल्म के लिए उस समय उन्हें 8,000 रुपये मिले थे। 1934 से 1935 तक मुंशी जी मुंबई में रहे। कहानी मिल मजदूरों और पूंजीपतियों के इर्द गिर्द लिखी गई थी, जहां एक मिल मालिक की मृत्यु के बाद नौजवान बेटा मिल की जिम्मेदारी उठाता है और रुपयों के ताकत के घमंड में मजदूरों को इंसान नहीं समझता। ऐसे में उसकी बहन मिल मजदूरों से हड़ताल करवा कर उनके हक की लड़ाई जीतती है। सशक्त स्त्री किरदार और पूंजीपतियों का साफ गोई से चित्रण फिल्म की हाईलाइट थे। ये कहानी उस समय के पूंजीपतियों और ब्रिटिश रूल दोनों को नागवार गुजरी। इस कहानी में मुंशी जी की लेखनी वह कमाल कर गई थी कि फिल्म की कहानी की सुगबुगाहट भर से जगह जगह मुंबई के टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। 1935 में फिल्म को आखिरकार बैन कर दिया गया। नए नाम से इस फिल्म को रिलीज करने की कोशिश को भी मिल मालिकों के प्रभाव से रोक दिया गया। चूंकि मुंबई में तो यह फिल्म रिलीज होने से पहले रोक दी गई, तो इसे लाहौर, दिल्ली और अदब के शहर लखनऊ में रिलीज किया गया, लेकिन वहाँ भी बहुत जल्द इस फिल्म को उतार लिया गया। कहते हैं प्रेमचंद जी के अपने प्रेस में भी हड़ताल हो गई थी। इसके साथ ही उनका मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से मोह भंग हुआ और वो वाराणसी वापस लौट आए। 1936 में अपने पाठकों और अपनी किताबों को यहीं छोड़कर मुंशी जी चल बसे, लेकिन लेखक जाता है, उसकी लेखनी यहीं रहती है। प्रेमचंद जी की कहानियों पर फिल्म बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी कहानियों में सच बेपर्दा होकर नजर आता है। हम और आप जिस सच को देखना नहीं चाहते, सालों पहले उस सच को अपनी कहानियों में लिख कर चले गए। इसके बावजूद कुछ फिल्म मेकर्स ने उनकी कहानियों पर बेहतरीन फिल्में बनाई। मृणाल सेन जी ने उनकी कहानी कफन पर फिल्म बनाई और प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे की दो फिल्में शतरंज के खिलाड़ी और सदगति
मुंशी जी की कहानियों पर ही आधारित हैं। इसके अलावा भी प्रेमचंद जी की तमाम कहानियों पर शॉर्ट फिल्में और सीरियल बने, जैसे सवा शेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं, गोदान आदि। मुंशी जी की कहानियों पर अक्सर दुख के गहरे अवसाद को समेटे रहने का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन अगर चश्मा उतार के देखा जाए तो मुंशी जी की लिखी कहानियाँ उस समय का यथार्थ हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। स्त्री जीवन और दलित विमर्श को जिस तरह मुंशी जी ने अपनी कहानियों में उतारा है, वह आँखों के सामने जीवंत हो उठती हैं। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी प्रेमचंद की कहानियाँ और उनकी लेखनी पाठकों को बांधे रखती है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रगतिशील बुद्धिजीवी थे जो हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की वकालत करने में विश्वास करते थे। उनकी कहानियों में किसान, विधवा, वेश्याएं और उस समय के समाज का जीवंत चित्रण है। 14 उपन्यास और 300 लघु कथाओं के साथ एक महान लेखक के रूप में मुंशी जी साहित्य जगत के शीर्ष पर हैं और सदा रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपको पसंद है, ज़रूर बताएं।